कोर्ट में करण के वकील ने बचा लिया ड्रग केस से शौर्य को, लेकिन कोर्ट में शौर्य ने एक्सेप्ट कर लिया अपना क्राइम और जज साहब ने शौर्य की बातों को ध्यान में रखते हुए दे दी शौर्य को उम्र कैद की सजा। जी हाँ दोस्तों, कुंडली भाग्य के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में जब कोर्ट में शौर्य की सुनवाई होगी और करण का शहर का सबसे बड़ा वकील शौर्य का केस लड़ेगा और जज साहब को शौर्य बेकसूर है, इसके सारे सबूत करण का वकील जज साहब के सामने पेश करेगा और बताएगा कि जिस इल्जाम में शौर्य को फंसाया गया है वो लगे हुए शौर्य पर इल्जाम गलत है। शौर्य ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, ना ही शौर्य के पास से ड्रग्स मिले थे, ये सब किसी और की सोची समझी साजिश थी इस शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन मिस्टर करण लूथा के बेटे शौर्य को फंसाने की। या वकील के मुंह से सुनकर और सारे सबूतों को देखकर जज साहब को काफी बड़ा शौक लगेगा, जहां पर जब करण शौर्य का वकील कंक्लूजन यानी कि अंतिम निर्णय पर आएगा और कहेगा कि इसलिए शौर्य लूथरा बेगुनाह है, शौर्य लूथा को फंसाया गया है और कहेगा कि इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि शौर्य लूथा को बाइज्जत बरी किया जाए। यह सुनकर तभी जज साहब अपना निर्णय लेकर शौर्य को बाइज्जत बरी यानी कि छोड़ने की बात करने वाले होंगे। तभी शौर्य चिल्लाकर कहेगा रुक जाओ जज साहब, मैं बेकसूर नहीं बल्कि मैंने क्राइम किया है, मैं ही गुनहगार हूँ, ये क्राइम मैंने किया है। यह सुनकर राखी मां करण, निधि, करीना बुआ, दादी के सारे खुश होते हुए चेहरे पल में टूट कर बिखर जाएंगे और पूरे लूथास को काफी बड़ा शौक लगेगा। जहाँ पर जब शौर्य जज को कहेगा कि मैंने क्राइम किया है, ड्रग्स को मैं ही ऑफिस में बैग में लाया था राजवीर से अपना बदला लेने के लिए, राजवीर को फंसाने के लिए, यह सुनकर तभी करण, दादी, राखी मां को काफी बड़ा शौक लगेगा और जज साहब के होश उड़ जाएंगे। जहाँ पर जज साहब वकील को कहेंगे कि ये यहाँ पर क्या तमाशा हो रहा है, आपने तो ये साबित कर दिया कि शौर्य ने कुछ नहीं किया है, तो आपका विक्टिम ये क्यों कह रहा है कि मैंने गुनाह किया है। यह सुनकर तभी वकील कुछ बोल नहीं पाएगा और तभी करण खड़ा होकर चिल्लाकर जज साहब को कहेगा कि जज साहब शौर्य झूठ बोल रहा है, उसने कुछ नहीं किया, शौर्य जानबूझकर कह रहा है कि मैंने क्राइम किया है। यह सुनकर तभी शौर्य जज साहब को कहेगा कि नहीं जज साहब, मैंने ही क्राइम किया है, मैं ही आपका असली गुनहगार हूँ, मुझे सजा मिलनी चाहिए। यह सुनकर तभी कोर्ट में जज साहब को गुस्सा आ जाएगा और गुस्से से जज साहब पूरे कोर्ट में हंगामा होते हुए देख कहेंगे कि ऑर्डर ऑर्डर, शांति बनाए रखिए, सारे सबूतों और गवाहों के मद्देनजर रखते हुए और मुजरिम ने जो कुछ भी कहा है उसे मद्देनजर रखते हुए यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मिस्टर शौर्य लूथा को ड्रग केस में दोषी पाते हुए पूरे उम्र कैद की सजा दी जाती है। यह सुनकर तभी शौर्य मन में काफी ज्यादा खुश हो जाएगा, लेकिन करण, निधि, राखी मां, दादी, करीना बुआ को काफी बड़ा झटका लगेगा। जहां पर जब पुलिस वाले शौर्य को जेल की ओर ले जा होंगे तभी करण, राखी मां, शौर्य के पास आएंगे और राखी मां तभी शौर्य को कुछ बोलने से पहले थप्पड़ मार देगी और तभी वहां पर करण शौर्य को कहेगा कि शौर्य तुमने ये क्या कर दिया, तुम्हें बेगुनाह साबित करने के लिए हमने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन तुमने सब कुछ पर पानी फेर दिया, बहुत गलत किया तूने शौर्य, अब इसकी सजा तुम्हें उम्र कैद की मिल गई ना। यह सुनकर तभी शौर्य करण को कहेगा कि डैड आप यही तो चाहते थे कि मुझे सजा मिले, तो इससे आपको खुश होना चाहिए। यह सुनकर करण कुछ बोल नहीं पाएगा और लेकिन शौर्य को उम्र कैद की सजा हो गई तो आपको कैसा लगेगा, और लेकिन अब आगे प्रीता आकर शौर्य को बचा पाएगी क्या नहीं, और शौर्य के सामने प्रीता ही उसकी असली माँ है, इसकी सच्चाई आनी चाहिए क्या नहीं, कैसा हमें कमेंट में जरूर बताएं और प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।